तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास में है मेडिकल का बॉक्स और अगर आपके पास में है कोई सा भी कैप कॉलकम का सीपीयू वाला मोबाइल जैसे वीवो ओप्पो या कोई सा भी जो आज का नया चल रहा है या जिसमें भी कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है, अगर आपको उसको रीड करना है, उसके मोबाइल को उसकी फर्मवेयर को सेव करना है तो कैसे करेंगे आपके मेडिकल बॉक्स से, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ से ओपन करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन करके रखा हुआ है, ताकि जिस जब हम अपने मोबाइल को बूट करें तो यहाँ पे आपको कॉलकम का, क्योंकि बात कर रहे हैं हम कॉलकम के मोबाइल की, तो यहाँ पे कॉलकम का आपको पोर्ट दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो ओपन है वो है मेरा मेडिकल का 2.65, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट बताया था आपको। तो दोस्तों यहाँ पर 2.65 का ये अपडेट है और यहाँ से हम करेंगे कॉलकम का मोबाइल का जो फर्मवेयर उसको रीड रीड मतलब सेव। तो दोस्तों जैसे कि हम बता रहे हैं, आपके पास कोई सा भी मोबाइल आता है चार्जिंग, जिसमें आप सीसी कनेक्टर वो जो चार्जिंग कनेक्टर चेक करने को चेंज करने को देखते हैं, या फिर कुछ भी जो हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या कुछ भी या जो सॉफ्टवेयर करते हैं, तो उसके बाद में हमेशा उस मोबाइल की फर्मवेयर को रीड कर लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर वो मोबाइल फ़ोन आए तो हमें उसकी फर्मवेयर को हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसी फर्मवेयर को हम उसी के सॉफ्टवेयर पे उसी मोबाइल में अगर हमारे पास सेम मोबाइल आएगा तो उसमें हमें करने में आसानी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलकम के ड्राइवर को इंस्टॉल होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ वो ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको बूट कैसे करना है आपका मोबाइल। तो देखिए आपको दोस्तों, आपको कॉलकम के मोबाइल में आपको जो बैटरी है वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें बैटरी इनबिल्ट होता है। तो आपको करना क्या है, बस आपको अपना एक बार जो मोबाइल है वो आपको बंद करना है, और जो आपका वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन है, देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉलकम के मोबाइल का जो बूट की होती है वो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन होती है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को आपको एक साथ दबाए रखना है। तो देखिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन आपको दबाए रखना है। आपको पीछे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, अभी कुछ भी कॉलकम शो नहीं कर रहा है। तो देखिए मैंने वो दोनों दबा दिया है और मैंने साथ में लगाया है अपना यूएसबी केबल, तो सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो देखिए अभी वो रिफ्रेश किया और वहां पे देखिए कॉलकम शो हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलकम HS USB क्यू लोडर 9008 यहाँ पे शो हो चुका है। और आपको करना है क्या दोस्तों, आपको अपना मोबाइल एज इट आपको बस लगाए छोड़ देना है, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको मेडिकल के टूल पे आ जाना है। तो देखिए मैं मेडिकल का बॉक्स यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे कॉलकम शो कर रहे होंगे। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको करना है क्या है, अब यहाँ पर आपको कॉलकम पे जाना है। कॉलकम के जाने के बाद में आपको मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है। मॉडल नंबर में आप अपना यूनिवर्सल मॉडल नंबर सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई सा मॉडल नंबर मिलता है, जैसे अगर आप वीवो कर रहे हैं तो वीवो यूज कर सकते हैं, ओप्पो यूज कर रहे हैं तो ओप्पो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं एल्वा ऐप का कॉलकम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इन सारे मोबाइल में कॉलकम का सीपीयू लगा होता है, तो मैंने यूनिवर्सल एल्वा ऐप का मॉडल सेलेक्ट किया है। अभी पोर्ट में मुझे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कॉलकम दिखना चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे फायर हाउस में आपको चूज करनी है कॉलकम की उसी सीपीयू नंबर, तो वो आपको जो लेना है वो आपको लेना है। आप जाइए गूगल में और GSM एरिना में इसको सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर इसका सीपीयू नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो लगा होता है सीपीयू 8909 सीपीयू लगा हुआ है DDR MBN। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जैसे आपने ये सिलेक्ट किया है, अगर ये लाइट वहां होता तो लाइट आप सिलेक्ट करते। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसका जो सीपीयू होता वो D8937 होता, तो अगर वो ओप्पो का A57 होता तो तब मैं ये वाला सिलेक्ट करता, अगर वीवो का होता तो ये सिलेक्ट करता, पर अगर वो एक यूनिवर्सल होता तो मैं ये खाली ये वाला नंबर सिलेक्ट करता जिसमें Pro EMC फायर हाउस 8937 आ रहा है, पर अभी मैं खाली ये सिलेक्ट करूंगा। तो यूनिवर्सल में हमें आपको हमेशा आपको ये सिलेक्ट करना है Pro EMC फायर हाउस 8909 DDR.MBN। MBN में आपको बता दूं वो कॉलकम के एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मीडियाटेक में स्कैटर होता है, ओडिन में टर होता है, वैसे ही कॉलकम में MBN होता है, और यहाँ पे आपको टिक लगे रहने देना दोस्तों। और अभी हम बात करते हैं, हमें जाना है यहाँ पर रीड फॉर्मेट एंड फ्लैश पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑटो प्रोग्रामर, इसको आपको क्लिक रहने देना है, क्योंकि आप क्लिक नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामर फाइल देना पड़ेगा जो कि हमारे पास में नहीं है।
तो दोस्तों अभी अब मेक एक्सएमएल में आपको भी क्लिक रहने देना है। अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे भी क्लिक करना है। एक बार ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप रीड फ्लैश करते हैं तो ये रीड फ्लैश शायद ना करे डायरेक्ट, तो इसलिए आपको रीड पार्टीशन पे क्लिक करना है। और रीड पार्टीशन पे क्लिक करने का आपको देखिए कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, आपको यूएसबी पे यहाँ पे टिक बनाए रखने देना है और यहाँ पे स्टार्ट बटन आपको दबा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसने हमारा लोड कर लिया है और इसका सीपीयू बता दिया है MSM 8909। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, इससे आप सारे कॉलकम के मोबाइल जितने भी जो सीपीयू मोबाइल है जिसमें कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है उसकी फर्मवेयर को आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा रीड पार्टीशन आपको मिल जाएगा, सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी फाइलों को आपको टिक लगाए रहने देना है और उसके बाद में इसको रीड फ्लैश करना है। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, मैं पूरी फाइलों को रीड नहीं करता हूं यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी फाइल है मैं उनको छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर रहा था। जब आप करेंगे तो आप पूरी फाइलों को रीड कीजिएगा। जैसे मैं यूजर डाटा को हटा देता हूँ, वो एक बहुत बड़ी फाइल है, और एक कॉन्फिक तो रहने देता हूँ मैं। यूजर डाटा को हटा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे साइज देख रहे हैं यूजर डाटा का सबसे ज्यादा बड़ा साइज दिख रहा है। और एक दोस्तों एक सिस्टम की फाइलों को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये फाइल होने में हो सकता है 15-20 मिनट लगा या हो सकता है आधा एक घंटा भी लगा सकता है। अभी दोस्तों मैंने ये दो बड़ी बड़ी फाइलें हटा दी हैं और यहाँ पर मैंने रीड फ्लैश पर क्लिक किया हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे स्टार्ट बटन दबाना है, तो स्टार्ट बटन दबाने पर ये मोबाइल को फर्मवेयर को रीड करेगा और ये सबसे पहले बोलेगा कि इसको कहाँ रीड करके कहाँ सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ इसको, और डेस्कटॉप पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे देखिए ये पूरी फर्मवेयर को रीड कर रहा है। और बॉक्स में आप देख रहे हैं, जैसे कि बॉक्स में एक लाइट चमक रही है यहाँ पर, और हमारा मोबाइल जैसे कि तैसा वहां पर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक आसान तरीका है, अगर आपके पास में मेडिकल बॉक्स है और अगर आपको क्वालकॉम का मोबाइल सीपीयू रीड करना है तो आप इसको रीड कर सकते हैं फर्मवेयर को, ताकि अगले बार जब अगर आपके पास ये मोबाइल फोन आए तो आप यही वाला फर्मवेयर डाल दें। मैं आपको एक बार बता दूं, इसके रीड की गई जो फर्मवेयर है उसको हम QPST जिसके बाद कहते हैं क्वालकॉम जो टूल होता है, क्यूफिल, क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि हमने दो बड़ी बड़ी जो मेन फाइल है सिस्टम फाइल और जो हमने यूजर डाटा नहीं ली है, आपको वो दोनों फाइलें लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया हुआ है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा समय ले लेता। तो देखिए दोस्तों पूरी फाइलें रीड हो रही है बराबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डन का मैसेज आ चुका है और रीड हो चुकी है। यहाँ पर प्रोग्रामर फाइल भी इन्होंने दे दी है, प्रोग्रामर EMC फायरहाउस 8909। अब हम इसको डेस्कटॉप पर देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर देखिए दोस्तों एक VIA फोल्डर बन गया है QUM कॉलकम करके, और उसका एक कुछ सीरियल नंबर दे दिया है। उसके अंदर हम फाइल देखेंगे, देखिए हमें यहाँ पे मिल गई है प्रोग्रामर फाइल, और ये हमारा हो गया है पूरा हमारा जो LYF का जो मॉडल नंबर यूज कर रहे हैं, इसमें कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है। इसका जो मॉडल नंबर है 4503, इसका हमने पूरा फर्मवेयर रीड कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको रीड करना है कॉलकम के सीपीयू को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ड्राइवर यूज करने हैं कॉलकम के तो वो आपको कहां से डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है आपके जो वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी वेबसाइट। और दोस्तों इसका एप्स भी है, तो इसके नीचे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मोबाइल में ही सारे आप जितने भी टूल हैं डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों आपको जाना क्या है, आपको जाना है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ जाना है आपको कॉलकम वाले, तो कॉलकम वाले इसमें सेक्शन में, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा डाउनलोड कॉलकम HSQS लोडर, तो यहाँ पर क्यू लोडर करके आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए HSUSB क्यू लोडर आपको दिख गया होगा, और यहाँ पे आ गया होगा डाउनलोड का आपको क्लिक, और जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे मीडियाफायर की आपको फाइल खुल जाएगी, और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके आपके कॉलकम के आपके जो बहुत सारे जो ड्राइवर हैं वो सारे आपको डाउनलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप कॉलकम के मोबाइल को फर्मवेयर को रीड करना चाहते हैं, या उसको राइट करना चाहते हैं, या उसका IME रीस्टोर करना चाहते हैं, या कुछ भी जिसमें कॉलकम के साथ आप करना चाहते हैं उसमें MI के भी हो जाते हैं, तो ये प्रॉपरली आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और अगर आपने अभी तक एशिया टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मेडिकल टूल से जुड़ने वाले बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, यूएमटी से वीडियो मिलेंगे और जयथ्री के वीडियो मिलेंगे, और भी उसके साथ में जो क्लासेस के हम हार्डवेयर वीडियो डालते रहते हैं तो वो भी हम डालते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 28 जनवरी को हमारा नया बैच लग रहा है, उसमें आ सकते हैं। तो हमारा जो नया बैच है वो 28 जनवरी को लग रहा है। अगर आप हमें कॉल करते हैं, हम कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप हमें एसएमएस और एसएमएस कर दीजिए आपका नाम और एड्रेस और ये करके कि आपको मैं कोर्स करना है, तो हम आपको कॉल कर लेंगे और आपको पूरी डिटेल जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने बुक नहीं खरीदी है मोबाइल हार्डवेयर की, तो आप बुक खरीद लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताता हूँ यहाँ पर। तो ये मोबाइल हार्डवेयर की बुक है, ये आपको खरीदनी है। अगर ये आपने नहीं खरीदी तो आप खरीद लीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी हुई है, यहाँ पर आ देखिए इसके नीचे इसकी लिंक दी हुई है। जैसे आप ये लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। तो ये 405 रुपए की बुक है, इसको आप खरीदिए दोस्तों, क्योंकि इससे आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं मोबाइल हार्डवेयर की, घर बैठे आप सीख सकते हैं। अगर आप कहीं सीख चुके हैं तो भी खरीदिए, क्योंकि हो सकता है कि हाँ इस बुक से आप कुछ ज्यादा और सीख पाए। तो सब्सक्राइब करे रहे, जुड़े रहे चैनल से। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.